हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे लेसन टू, अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। स्टूडेंट्स, ये एक ह्यूमर स्टोरी है, यानी कि हास्य कहानी। चलिए, इसको रीड करने से पहले हमें एक यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि टोटल कितने स्केयर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्केयर्स काउंट करते हैं, आप भी मेरे साथ काउंट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। और बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये बीच वाले सफ़ेद को हम देखते हैं तो ये भी एक स्क्वायर है, तो ये हो गया 13। और जो ये एक पूरा है, ये भी एक स्केयर है, ये हो गया 14। तो इसमें टोटल कितने स्केयर्स हैं? 14। चलिए स्टूडेंट्स, अब रीड करना स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वन डे अबू अली वेंट टू द फेयर। एक दिन अबू अली मेले में गया। एंड बोट 9 डंकीज, और 9 गधे लाया। ही रोड होम ऑन वन ऑफ देम, और वह घर तक उनमें से एक पर सवार हो गया। द अदर डंकीज फॉलोड बिहाइंड, और दूसरे गधे थे जो उसके पीछे चल रहे थे। आफ्टर ए व्हाइल अबू अली सेड टू हिमसेल्फ, कुछ देर बाद अबू अली ने अपने आप से कहा, आर ऑल माई डंकीज हियर, क्या मेरे सारे गधे यहीं हैं। जस्ट देन ही टर्न्ड राउंड टू काउंट देम, और तभी वह उनको गिनने के लिए चल पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेयर इस नंबर 9, अबू अली क्राइड। अबू अली चिल्लाता है, अरे मेरा नंबर 9 यानी कि 9वां गधा कहाँ है। ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकी, और वह अपने गधे से नीचे कूदा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज, उसने चट्टानों के पीछे, पेड़ों के पीछे देखा। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, लेकिन उसको कोई भी गधा दिखाई नहीं दिया। आई काउंट देम अगेन, अबू सेड, अबू कहता है, मैं इन्हें दोबारा गिनूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओ, ही मस्ट हैव कम बैक, अरे वो वापिस आ गया होगा। सो अबू अली क्लाइम्ड बैक ऑन टू द डंकी एंड रोड अवे। इसलिए अबू अली फिर से गधे पर बैठ जाता है और चल पड़ता है। After a while, he counted his donkeys again. कुछ देर बाद वह अपने गधों को दोबारा से गिनता है। He counted only 8. उसने केवल 8 गिने। Once again, he jumped down from his donkey. फिर से वह अपने गधे से नीचे कूदा। He looked behind the rocks and the trees. उसने चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, लेकिन वहाँ पर कोई गधा दिखाई नहीं दिया। आई काउंट माई डंकीज अगेन, मैं अपने गधों को दोबारा गिनूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा। दिस टाइम देयर वर 9, और इस समय वहाँ पर 9 थे।
Just then, Abu Ali saw his friend Musa walking along the road. तभी अबू अली ने अपने दोस्त मूसा को रोड पर जाते देखा. मूसा ही कॉल्ड. उसने कहा, मूसा हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज. मेरे गधे गिनने में मेरी मदद करो. आई कीप लूजिंग वन. मेरा एक खो जाता है. व्हेन आई स्टॉप टू काउंट आई फाइंड ओनली एट. जब मैं गिनने शुरू करता हूँ तो तब वहाँ पर आठ होते हैं. बट व्हेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द नाइन्थ. लेकिन जब नौवे को ढूंढने के लिए मैं नीचे उतरता हूँ, देयर ही इज अगेन, तो वहाँ पर वो. वेल आई कैन सी 10 डंकीज अबू अली, लाफ्ड मूसा. मूसा हंसा और बोला, अबू अली मैं तो यहाँ 10 गधे देख सकता हूँ. 10? हाउ कैन यू सी 10? आस्क्ड अबू अली. अबू अली ने पूछा, 10? तुम 10 कैसे देख सकते हो? यू आर सिटिंग ऑन वन एंड देयर आर 8 डंकीज बिहाइंड यू, सेड मूसा. मूसा ने कहा, तुम एक पर बैठे हो और 8 गधे तुम्हारे पीछे हैं. ऑफ कोर्स, सेड अबू अली. अबू अली ने कहा, निश्चय ही. ओ आई एम वेरी फुलिश, बट वेयर इज द 10th डंकी. अरे मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, लेकिन 10वां गधा कहाँ है? He is sitting on the first donkey, said Musa, and his name is Abu Ali. Musa ने कहा कि वो पहले गधे पर बैठा है और उसका नाम अबू अली है. तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? इसमें अबू अली जब गधे पर बैठता है तो जिस पर वो बैठता है उस गधे को गिनना भूल जाता है ना? और उसका दोस्त लास्ट में उसी को गधा कहता है.